इंडियन टी ट्वेंटी लीग टीम्स एनालिसिस बाय प्रोबो में आपका फिर से स्वागत है। ये है वीडियो का पार्ट वन और कल डालूंगी पार्ट टू। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में इंडियन टी ट्वेंटी लीग की टीम्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में। तो वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि ये वीडियो आपको प्रोबो पर ट्रेड करने में बहुत हेल्प करेगी। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात। गुजरात ने 2022 में अपने पहले ही सीजन में ट्रॉफी जीतकर सबको हैरान कर दिया था। इस टीम के कैप्टन हार्दिक पांड्या। इस टीम की स्ट्रेंथ है इनकी बॉलिंग, जिसमें राशिद खान, मोहम्मद शमी और शिवम मावी जैसे बड़े नाम हैं। गुजरात की टीम अपने पहले सीजन में काफी टीम्स को काफी कम स्कोर्स पर रोकने में कामयाब हुई थी। इसके अलावा है इनके पास सॉलिड मिडिल ऑर्डर, जिसमें है खुद उनके कैप्टन हार्दिक पांड्या और साउथ अफ्रीकन सुपरस्टार डेविड मिलर। इसके अलावा टॉप ऑर्डर में उनके पास शुभमन गिल का होना भी उन्हें काफी मजबूती देता है और लोअर ऑर्डर में तेवतिया और राशिद जैसे पावर हिटर्स भी उन्हें काफी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लेकिन इस बार इनके टाइटल डिफेंस को एक और सहारा मिल गया है, जिनका नाम है न्यूजीलैंड के मोस्ट डिपेंडेबल बैटर केन विलियमसन। इनकी वीकनेस जो पिछले सीजन में दिखी थी, वो थी अदर टीम्स के कंपैरिजन में काफी लो स्ट्राइक रेट। इसके अलावा मैथ्यू वेड का खराब फॉर्म और पूरे सीजन पर सिर्फ 3-4 बैट्समैन पर ओवर डिपेंडेबिलिटी चिंता का विषय है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान 2008 में पहला सीजन जीतने के बाद 15 साल बाद पिछले सीजन में फाइनल्स में पहुंची थी। इस टीम को लीड कर रहे हैं डायनामिक संजू सैमसन। इस टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी ओपनिंग जोड़ी जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल, जो पिछले सीजन में काफी शानदार फॉर्म में थे। इस टीम के पास बैकअप ओपनर और पोटेंशियल नंबर 3 देवदत्त पादिकल भी है, तो इनका टॉप ऑर्डर तो पूरी तरह सॉर्टेड है। इसके अलावा इनके पास इस सीजन में जो रूट जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं, जो इनके पावरफुल मिडिल ऑर्डर को ज्वाइन करेंगे। इस टीम के पास है 3 गजब स्पिनर्स, रवि अश्विन, यूजी चाल और एडम जाम्पा। और इस टीम की केवल 2 वीकनेस दिख रही है, एक तो प्रसिद्ध कृष्णा की इंजरी और उनके टीम से बाहर होने के बाद इनके पास बोल्ट के अलावा कोई इम्प्रेसिव फास्ट बॉलर नहीं है। दूसरा, इनके पास ऑलराउंडर्स की कमी है। जेसन होल्डर के आने से थोड़ा बैलेंस जरूर आएगा, लेकिन एक इन फॉर्म ऑलराउंडर का टीम में होना टी20 लीग में काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं बैंगलोर की। पिछले सीजन में एक कदम दूर रह गई थी फाइनल से बैंगलोर टीम, जिनका कैप्टन 10 साल बाद चेंज हुआ था। प्लेसी की कैप्टनसी में टीम ने प्लेऑफ्स का सफर भी तय किया और एलिमिनेटर भी जीता, लेकिन क्वालिफायर राजस्थान से हार गए। इस टीम की स्ट्रेंथ है इनकी बॉलिंग। पेस डिपार्टमेंट में इनके पास जॉश हेजलवुड, मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल जैसे एक्सपीरियंस नेम्स हैं। तो वहीं स्पिन में इनके पास हसरंगा और शाहबाज अहमद भी हैं। बैटिंग में ये टीम थोड़ी डिपेंडेंट है कोहली और प्लेसी के एक्सपीरियंस पर। एलन और मैक्सवेल भी इनकी बैटिंग की एक मजबूत कड़ी है और फिनिशर के रूप में इनके पास दिनेश, नेवर एजिंग कार्तिक मौजूद है। इस टीम की सबसे बड़ी वीकनेस है इनकी बैटिंग डेप्थ, जो बहुत ही फ्रेजाइल है। इंजरी की वजह से पाटीदार सीजन का फर्स्ट हाफ मिस करेंगे, जिस वजह से डेप्थ और कम हो जाएगी। मैक्सवेल भी काफी लंबी इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं, तो उनको भी टच में आने में टाइम तो लगेगा। इंजरी की वजह से हेजलवुड भी सीजन का फर्स्ट हाफ नहीं खेलेंगे और सिराज पर आ जाएगी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात करते हैं लखनऊ की। केएल की कैप्टनसी में लखनऊ अपने पहले सीजन में ही प्लेऑफ्स में पहुंचने में कामयाब हुई थी, लेकिन बैंगलोर से हारकर 4th पोजीशन पे फिनिश की थी। मोस्ट इंटरेस्टिंग बात, इस टीम की स्ट्रेंथ इस टीम की वीकनेस भी है। लखनऊ की स्ट्रेंथ है इनके टॉप 3। राहुल और दिकॉक ने पिछले सीजन में काफी कंसिस्टेंटली रन बनाए थे। दीपक हुडा ने भी काफी अच्छे रन बनाए थे, लेकिन इन तीनों ने जहां 450 प्लस रन्स बनाए, इनके अलावा किसी भी बैट्समैन ने 200 रन्स भी टच नहीं किए। इसी तरह इनके 3 हाईएस्ट विकेट टेकर्स थे आवेश खान, मोहसिन खान और जेसन होल्डर। मोहसिन इस सीजन में इंजरी की वजह से नहीं खेल रहे हैं और होल्डर को लखनऊ की टीम रिलीज कर चुकी है। तो लखनऊ की टीम पिछले सीजन में अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी एकजुट नहीं दिख रही है और इस सीजन में इसी वजह से उनको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज के 3 सुपरस्टार्स निकोलस पूरन, मैज और शेपर्ड के आने से लखनऊ थोड़ी मजबूत जरूर हुई है, लेकिन 4 फॉरेन स्लॉट्स में से उनमें से कितने ही फिट हो पाएंगे ये देखना जरूरी है। अब बात करते हैं आखिरी टीम दिल्ली की। 2022 का सीजन दिल्ली के लिए मिला जुला रहा है। उन्होंने फिनिश किया 5th पोजीशन पे और प्लेऑफ्स में जगह नहीं बना पाए, लेकिन अगर स्क्वाड पे नजर डालें तो दिल्ली काफी स्ट्रॉन्ग दिखती है। दिल्ली के पास पृथ्वी शॉ, रोमन पॉवेल और मिच मार्श जैसे पावरफुल हिटर्स पहले से ही हैं और इस सीजन में रूसो और फिल सॉल्ट जैसे पावरफुल हिटर्स और ऐड हो गए हैं। ऐसे में कैप्टन डेविड वार्नर और सरफराज खान का एंकरिंग रोल काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बॉलिंग में इनके पास नॉटजे, मुस्तफिजुर जैसे बड़े प्लेयर्स हैं, जबकि ईशांत शर्मा, चेतन सक्रिया और नगर कोटी जैसे इंडियन फास्ट बॉलर्स भी हैं।
स्पिन में इनके पास अक्सर कुलदीप और ललित यादव जैसे एक्सपीरियंस स्पिनर्स हैं। इस टीम के पास वो सब कुछ है जो एक अच्छी टीम के पास होना चाहिए। अगर ये टीम कंसिस्टेंसी से खेले तो 2020 की तरह आसानी से फाइनल में जा सकती है। ऋषभ पंत की एब्सेंस इस टीम को हर्ट जरूर करेगी, लेकिन इसके बावजूद इस टीम में वो क्षमता है कि ये आसानी से टॉप फोर में फिनिश कर सकती है। अब आपको क्या लग रहा है, इस बार के इंडियन T20 लीग में कौन जीतेगा? दिल्ली, हैदराबाद, राजस्थान, गुजरात? अगर आपके पास है कोई ओपिनियन तो उसको फोकट में मत दो। अपनी नॉलेज और स्किल का सही जगह इस्तेमाल करो। प्रोबो पर सिंपल मैच से रिलेटेड सवालों के यस या नो में जवाब दो और बनाओ बड़े प्रॉफिट्स। मिलते हैं कल की वीडियो में, इसी वीडियो का पार्ट 2 लेकर आऊंगा।